दोस्तों वक्त बदल रहा है और नरेंद्र मोदी की कुर्सी उनसे दूर होती चली जा रही है। अब मोदी जी के लिए वो दिन दूर नहीं जब उन्हें कुर्सी मोह त्याग देना पड़ेगा और उसकी शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किस तरह से बीजेपी मुखिया नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को कटाक्ष करते हुए महज दो दिन पहले कहा था कि आप खुद को भगवान घोषित मत कीजिए, वो जनता के हाथ में छोड़ दीजिए कि उन्हें क्या लगता है। और कोई भी शासक, कोई भी देश चलाने वाला अगर खुद को राजा समझेगा तो देश चल नहीं सकता, उन्हें सेवक खुद को समझने की जरूरत है। एक तरफ जहां मोहन भागवत का इस तरह का बयान सामने आया तो दूसरे ही दिन और उसके महज दो दिन बाद ही बीजेपी के वरिष्ठ सांसद, जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद ने साफ तौर पर कह दिया कि मोदी जी चुनाव के दौरान राज्य का दौरा करते हैं और वो वायदे करते हैं और उन वादों पर मोदी जी खड़े नहीं उतर पाते। ऐसे में मोदी की गारंटी ना चल नहीं रही। सोचिए अगर खुद भाजपा के सांसद मोदी के खिलाफ इस तरह के बयान देते हैं जो कि मोदी जी के बहुत ही करीबी माने जाते थे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर मोदी की गारंटी पर भरोसा है नहीं तो ये विपक्ष के लिए कितना खुला मैदान है ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों किसने भारतीय जनता पार्टी के भीतर रहकर, कौन से सांसद ने मोदी के नाक में दम कर दिया है, किसने कहा कि मोदी की गारंटी अब चल नहीं रही, मोदी जी आते हैं भाषण देते हैं वायदे करते हैं और वो चले जाते हैं और उन वादों को वो निभाते नहीं, पब्लिक के सामने जवाबदेही हमारी होती है। एक तरफ जहां राहुल गांधी अमेरिका में मोदी शाह और खासकर के भारतीय जनता पार्टी की नफरत भरी राजनीति को सबके सामने अंतरराष्ट्रीय पटल पर बेपर्दा करते हुए नजर आए, 3 दिन के दौरे पर वो अमेरिका गए, वहां राहुल गांधी ने सरकार की, वर्तमान सरकार ने किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के देश में प्यार मोहब्बत का जो आप कह सकते हैं कि गंगा यमुनी जो तहजीब है उसको पूरी तरीके से किस तरह से बीजेपी सरकार ने तहस नहस कर दिया है उसका उजागर उन्होंने अमेरिका में कर दिया। और देश के भीतर खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ संघ के प्रमुख और साथ ही साथ भाजपा के भीतर जो सांसद हैं वो खुद नहीं मान रहे कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक रह गए। पूरा मामला मैं बताऊंगी आगे आपको वीडियो में विस्तार से, लेकिन पहले अपील करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर, मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों राहुल गांधी 3 दिन के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं, ऐसे में उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कई तरह के बयान दिए जो हमारे देश की जो करंट सिचुएशन है उसको पूरी तरह से उन्होंने वहां पर जाकर के बेपर्दा कर दिया, जिसके चलते राहुल गांधी का कुछ हद तक जो है देश में बहिष्कार भी किया जा रहा है भाजपा आईटी सेल द्वारा कि इस तरह से आप विदेशों में जाके देश की बर्बादी को लेकर के कैसे बोल सकते। लेकिन सच तो सच होता है, सच का अगर आप उजागर करते हैं तो उसे आप झुठला नहीं सकते। दोस्तों राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि भारत में अब कोई भी पीएम मोदी से नहीं डरता है। सोचिए राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर के ये बयान दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से अब देश के भीतर कोई भी बंदा डरता नहीं है। दूसरे ही दिन बीजेपी सांसद का छत्तीसगढ़ से बड़ा बयान आया, धमाकेदार बयान आया, विस्फोटक बयान आया। उन्होंने खुद कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में, अगले चुनाव में मैं सांसद बनू ना बनू मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच का साथ दूंगा। मोदी जी हमारे राज्य के साथ, हमारे राज्य में किस तरह से वायदे करके जाते हैं और उसके बाद उन वादों को वो भूल जाते हैं, बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, उसका उजागर मैं करके रहूंगा। दोस्तों विजय बघेल जो कि छत्तीसगढ़ से भाजपा सांसद हैं, मोदी शाह के करीबी माने जाते थे,
उन्होंने दोस्तों बड़ा बयान दिया। अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि वक्त जो है वो बदल रहा है, देश की राजनीति बदल रही है। अब मोदी मैजिक, मोदी की गारंटी पर खुद मोदी के सांसद यकीन नहीं कर रहे हैं। मोदी का सूरज ना अब ढलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ये खबर जो है दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मोदी की गारंटी के मुताबिक नहीं हो रहा है काम, बीजेपी सांसद ने लिखे लेटर से तेज हुई सियासत, कांग्रेस ने कहा यह असली मर्द है। दरअसल दोस्तों मोदी की गारंटी के मुताबिक कामकाज नहीं हो रहा है, मोदी की गारंटी जो है वो फ्लॉप है, ये खुद मोदी के सांसद कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत दोस्तों इन दिनों जो है सुर्खियों में है, इसलिए क्योंकि वहां के जो विजय बघेल है, जो मोदी जी के सांसद हैं, जो बीजेपी सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि अगले चुनाव में मुझे टिकट मिले सांसदी चुनाव में या ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सांसद बनूं या ना बनूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच्चाई को सबके सामने लाकर रखूंगा। और यह कहते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा और यह जो पत्र आपके स्क्रीन पर है यह इस समय की सबसे बड़ी खबर है। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल का वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुआ था और अब उनका एक लेटर सामने आया। उन्होंने सीएम को यह लेटर लिखा विजय बघेल के लेटर के बाद। यह मामला जो है बहुत ही तूल पकड़ लिया है। उन्होंने लेटर में क्या लिखा, दुर्ग सांसद विजय बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने चार मांगों को लेकर के चर्चा की है। इनमें भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक केंद्र शासन या केंद्र सरकार के सामने महंगाई भत्ता और पहले देरी से दिए गए महंगाई भत्ता का एरियर्स राशि के साथ भुगतान की मांग उन्होंने की है, लेकिन सरकार इस पर जो है ठोस कदम नहीं उठा रही है और ना ही पीएमओ से जब संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, पीएमओ ऑफिस के साथ जब संपर्क करने की कोशिश सांसद जी कर रहे हैं तो उनका किसी तरह का जवाब जो है मोदी जी या पीएमओ दे नहीं रहे। अब ऐसे में दुर्ग से भाजपा सांसद विजय गोयल का वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुआ था जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि मोदी जी वायदे तो करते हैं, मोदी जी यहां आते हैं, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं और बाद में जब वो दिल्ली चले जाते या वो जब चुनाव जीत जाते तब वो सारे वादों को भूल जाते हैं। अब दोस्तों सोचिए आम जनता के लिए मोदी जी ने कितना किया, वो 15-15 लाख आपके खाते में आया नहीं आया, रोजगार उन्होंने बढ़ाया नहीं बढ़ाया, महंगाई की डायन जो 2014 से पहले मोदी जी को परेशान कर रही थी अब वो डायन मोदी जी को नजर नहीं आती। लेकिन उन्होंने अपने सांसदों के सामने, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने जो वादा किया वो भी आप वो भूल जाते हैं और इसको लेकर के अब तक सभी सांसद, सभी राज्य स्तर के विधायक, मंत्री इन मामलों को छुपा करके रखते थे क्योंकि ये चीजें बाहर नहीं आती थी। लेकिन जैसे राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी से अब कोई भी बंदा डरता नहीं है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो मोदी के अपने क्यों ना हो, अब वो खुल करके मोदी के खिलाफ बयान देने लगे। विजय बघेल ने साफ कर दिया कि हम अब मोदी से या केंद्र सरकार से डरते नहीं हैं, भले ही मुझे टिकट दिया जाए अगले चुनाव में, ना दिया जाए, मुझे सांसद बनाया जाए ना बनाया जाए, ये तो सच है कि मोदी जी वादा करते हैं, मोदी की गारंटी, मोदी जी गारंटी दे के जाते हैं लेकिन वो गारंटी वो पूरे नहीं कर पाते, मोदी जी अपने वायदे भूल जाते हैं। अब सोचिए भाजपा के एक छत्तीसगढ़ के सांसद अगर ये इस तरह का बयान अभी दे रहे हैं, कुछ ही महीने हुए कि मोदी जी 303 से 240 पर पहुंचे, अब आगे चल के किस तरह के बयानबाजी का दौर शुरू होगा। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि मोदी की कुर्सी अब मोदी से छिनती चली जा रही, मोदी जी से दूर होती चली जा रही है, मोदी जी अब इस कुर्सी को बचा नहीं पाएंगे क्योंकि आरएसएस भी, संघ भी अब गुजरात लॉबी से छुटकारा चाहता है। संघ चाहता है कि संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूत करें क्योंकि सिर्फ इन दो गुजरातियों के सहारे पर अगर पार्टी चलाना है तो वो पार्टी की बर्बादी होगी। एक समय के बाद इस फेस पर जो आज भी आप कह सकते हैं 2-4 वोट मोदी जी को मिल जाता है उनके चेहरे पर, वो अब बीजेपी को आगे चल के नहीं मिलने वाला क्योंकि ये जो बीजेपी का डाउनफॉल हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे के चलते हुआ है क्योंकि कैडर बेस्ड
पार्टी जो बीजेपी रही, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी जो बीजेपी रही, वह पूरी तरीके से विपक्षी कार्यकर्ताओं से, विपक्षी नेताओं से भर चुका है। इसीलिए अब संगठन को पुनर्जीवित करने की जरूरत है और उसके लिए कहीं ना कहीं मोदी जी का कुर्सी से, प्रधानमंत्री पद से दूर होना संघ के लिए बेहतर सुझाव है। अब फिलहाल इस पर कब तक मोदी जी अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं और अगर देखा जाए तो मोदी की समय जो है वह मोदी जी का समय उनके हाथ में है नहीं। किसी भी पल संघ का बड़ा ऐलान होगा। मोहन भागवत जिस तरह से बगावती सूर अपना रहे हैं, वो किसी भी पल ये ऐलान हो जाएगा कि मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि हर एक राज्य से, हर एक सीएम के पास पीएमओ ऑफिस में, एचएम ऑफिस में, होम मिनिस्ट्री ऑफिस में लेटर्स, पत्र जो है भेजा जा रहा है कि हर एक राज्य में मंत्री, वहां के विधायक, वहां के सांसद पार्टी के भीतर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो भी खासकर नरेंद्र मोदी के वायदों के चलते, मोदी की गारंटी के चलते। अब ऐसे में दोस्तों इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कहीं ना कहीं किसी एक का सूरज जो है वो उगता हुआ नजर आ रहा है और किसी एक का सूरज जो है वो ढलता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति में दरअसल ऐसा ही होता है। कोई अगर सोच ले कि मेरी हमेशा चलेगी, ऐसा हो नहीं सकता। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या राहुल गांधी ने जो कहा कि अब मोदी से कोई भी बंदा भारत में डरता नहीं है, क्या वो सच है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि एक बात यह भी है, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी से अब कोई डरता नहीं है और इसी के चलते जितने भी हरियाणा के नेताओं पर ईडी शिकंजा कसने वाली थी, उन सभी नेताओं को इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दे दिया। यानी ये साफ संकेत है कि ना तो हम ईडी से डरते हैं, ना ही सीबीआई से डरते हैं, ना आपकी किसी भी जांच एजेंसी से हम डरते हैं। यानी अब खुल्लम खुल्ला बगावत जो है बीजेपी के अंदर हो रही है और दूसरी तरफ विपक्ष जो है, राहुल गांधी जो है, वो मजबूत होता चला जा रहा है। आप इस पर अपनी राय, टीका टिप्पणी जो भी है कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों पर आपकी राय क्या है कमेंट कर वो भी बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे बस एक ही गुजारिश करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि देशनीति बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को आपके बलबूते पर ही जारी रख पाता है। फिलहाल जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।